नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य और आप देख रहे हैं चैनल इग्नाइट। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कश्मीर फाइल के ऊपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है और मैं चाहता हूं कि आप भी इस भाषण को सुने। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ, फिर हम ऑपरेशन की बात, फिर हम ऑपरेशन की बात करते। लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है, कैसे भूल सकता है देश। कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा कर रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है, और ये जिम्मेवारी आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। विवेक अग्निहोत्री स्टार है ना, इस मूवी को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा बजट खर्चा किया गया है। द कश्मीर फाइल मूवी एक रियलिटी बेस्ड मूवी है, इसलिए लोग इस मूवी को बहुत पसंद कर रहे हैं। पूरे 32 साल और इंडियन बॉक्स ऑफिस में धूम मचाने के बाद यूएस का सबसे लिबरल और डेमोक्रेटिक स्टेट रोड्स आइलैंड ने इस मूवी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दी है, मतलब रोड आइलैंड की गवर्नमेंट दे दी है। रोड आइलैंड गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट स्पष्ट रूप से सच्चाई को बता रही है। इस सर्टिफिकेट में यह मेंशन किया गया है कि 1990 के दशक में बहुत बड़ी तादाद में टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म कश्मीर पंडितों के अगेंस्ट में हुआ था, जिसके तहत जब टर्की ऑटोमन एम्पायर द्वारा आर्मेनिया में मास जेनोसाइड हुआ था, तब यूएस एज ए कंट्री बहुत ही लंबे टाइम तक उस जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। फिर जब रोड आइलैंड ने उस मास जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया, तो साल 2021 में जो बाइडेन ने उस मास जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज कर दिया। उसके बाद यूएस ने टर्की के ऊपर प्रेशराइज किया कि वो आर्मेनिया से माफी मांगे। दोस्तों, इस बात से ये पता चलता है और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो इवन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में कश्मीर जेनोसाइड जैसे मुद्दे को उठा सकते हैं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बस यहाँ तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।